हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रही हूँ एक बहुत ही इकोनॉमिकल मिक्सर ग्राइंडर का, और वो भी एक नहीं बल्कि दो दो मिक्सर ग्राइंडर। अगर आप भी एक बेहतरीन इकोनॉमिकल मिक्सर ग्राइंडर की तलाश में हैं तो ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है। मैंने अपने दोनों घरों के लिए दो मिक्सर ग्राइंडर ऑर्डर करे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में इसका रिव्यू शेयर किया जाए। दोस्तों, ये है ज़ेनवाल्ट मिक्सर ग्राइंडर। एक जो मिक्सर ग्राइंडर है लेफ्ट साइड वाला, वो है 750 वाट का, और जो राइट हैंड साइड में है वो है 500 वाट का। तो ये मिक्सर ग्राइंडर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके का लगता है, और साथ ही हम इसको अनबॉक्स करके भी देखेंगे कैसा लगता है। और दोस्तों, ये आता है 12 मंथ्स की वारंटी के साथ। सबसे पहले हम एक मिक्सर ग्राइंडर को देख लेते हैं, दूसरे वाले में भी आपको सारे फीचर सेम मिलेंगे। ये आता है दोस्तों हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील जार के साथ। 3 स्पीड कंट्रोल आपको इसमें मिलते हैं, ABS प्लास्टिक बॉडी के साथ ये आता है। इसमें जो फूड ब्लेड्स मिलते हैं वो स्टेनलेस स्टील के हैं, जो कि काफ़ी मजबूत और ड्यूरेबल है। दोस्तों, बॉक्स को हम चारों तरफ से एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे एक ही बॉक्स को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी में ही केवल अंतर है, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जैसे कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 750 वॉट की है। हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है उसी पे ये ऑपरेट हो जाएगा। इसका जो RPM हम देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया RPM दिया गया है, 22,000 RPM, जैसे कि एक मिनट में 22,000 बार इसका ब्लेड जो है वो घूमेगा। इसकी MRP आप देख रहे होंगे जो कि बॉक्स पे लिखी है दोस्तों, लेकिन इससे बहुत ही भारी डिस्काउंट में हमें ये मिलता है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। आप वहाँ से जाके इसका प्राइस अभी कितना अभी चल रहा है वो चेकआउट कर सकते हैं। बॉक्स से दूसरी तरफ भी आपको सेम डिटेल मिलती है, और ये हमारे मिक्सर के पूरे पार्ट्स के बारे में डिटेल दिया गया है। दोस्तों, ये आता है रोबस्ट जार हैंडल के साथ, उसके नीचे एक काफ़ी इफेक्टिव मोटर भी है, और साथ ही ये एंटी स्किड फीट के साथ आता है, यानी कि आप जब इसे ऑपरेट करते हैं बिल्कुल भी ये जगह से हिलने वाला नहीं है। ये अपने बेस में काफ़ी अच्छी पकड़ बनाए रखता है। तो चलिए सबसे पहले हम अनबॉक्स करते हैं 750 वॉट का जो मिक्सर ग्राइंडर है उसको, और फिर उसके बाद 500 वॉट का भी हम अनबॉक्स करेंगे। दोस्तों, ये जो किचन अप्लायंसेस होते हैं ना, ये हम सभी की ज़रूरत होती है, और इसके लिए इसकी अनबॉक्सिंग करना भी काफ़ी एक्साइटिंग होता है। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे अनबॉक्स करने के लिए। काफ़ी शानदार इसकी पैकिंग है। तो इस बॉक्स में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसमें जार होंगे, सारे 3 जार, और बाकी उसमें मोटर है। जार को भी हम ओपन करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी वगैरह जो है वो कैसी है। कलर डिज़ाइन इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी यूनिक लग रही है, और ज़्यादा ही मजबूत भी लग रहा है। ABS प्लास्टिक के साथ ये बना है। तीनों लिड्स है 3 जार के, और जार इस तरीके के हमें पैकिंग के साथ मिले हैं। 3 जार इसमें मिलते हैं। ये रहा आपका चटनी जार, ये रहा ड्राई ग्राइंडिंग जार, और वो जो बड़ा वाला है वो भी एक मिलता है आपको। लिक्विड जो भी ज़्यादा इसमें ग्राइंड करना चाहते हैं वो आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। सभी में आपको स्टेनलेस स्टील के ब्लेड मिलते हैं, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल होता है, टूटता नहीं है जल्दी। अब बारी आती है मेन मोटर की, इसे भी हम खोल देते हैं। ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, और इसका बिल्ड क्वालिटी भी चेक करते हैं। जैसे कि हमने देखा था फीचर्स में, ये एंटी स्किड फीट के साथ आता है। अगर आपको काम करना है, कहीं पे आपने रख दिया, तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलने नहीं वाला है जब तक आपका काम चल रहा है, अनलेस एंड अंटिल आप उसको निकालोगे नहीं। ये बिल्कुल बेस पे एकदम चिपक के रहता है। इसकी वायर की भी काफ़ी अच्छी खासी लेंथ है, तो आसानी से आप कहीं भी प्लग करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये 750 वॉट का सबसे इकोनॉमिकल मिक्सर ग्राइंडर है। अदर ब्रांड्स की अगर आप मिक्सर ग्राइंडर देखेंगे, इसके डबल प्राइस में आते हैं। अगर आप इसका अभी डिस्काउंटेड प्राइस चेक करना चाहते हैं, तो लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करना उसे बिल्कुल ना भूले। अब 750 वॉट का तो मिक्सर ग्राइंडर आपने देख ही लिया, अब फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं 500 वॉट के मिक्सर ग्राइंडर को भी।
इसमें भी आपको सिमिलर तीन जार और एक मोटर मिलती है। दोनों ही ग्राइंडर का ओवरऑल लुक आप देख लीजिए, उसके बाद में लास्ट में हम एक डेमो भी देखेंगे। अब हम इस ग्राइंडिंग जार में चने की दाल पीसेंगे और देखेंगे कि इसका कितना फाइन पाउडर बनता है। ये 3 स्पीड कंट्रोल सेटिंग के साथ आता है, यानी कि लो, मीडियम और हाई। चलिए देखते हैं कितना ग्राइंड हुआ है, और ये काफ़ी हद तक ग्राइंड हो चुका है। अब और हमें इसे ग्राइंड करना बाकी है, क्योंकि हमें इसका बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए, यानी कि हमें इसका बेसन बनाना है। चलिए देखते हैं कि इसका फाइन पाउडर अब हुआ है कि नहीं। वाओ, ये देखिए कितना फाइन पाउडर इसका बन गया है एकदम चुटकियों में। एकदम कमाल का प्रोडक्ट है और एकदम रीजनेबल रेट के साथ आता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जैसे मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसे ही इसका पाउडर बनकर के तैयार हो गया है, और इसमें काफी अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से और जल्दी पिस किया है। तो इसी तरीके से घर में पिसा हुआ बेसन भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर के लिए अच्छे, टिकाऊ, सुंदर और रीजनेबल मिक्सर ग्राइंडर की तलाश में हैं, तो आप इस मिक्सर ग्राइंडर के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। करंट इसका क्या प्राइस चल रहा है, कितने डिस्काउंटेड रेट में है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक से जा करके आप इस मिक्सर ग्राइंडर को अपना भी बना सकते हैं। और अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपको गिफ्ट करने के लिए भी, क्योंकि अगर सिमिलर चीज़ आप दूसरे ब्रांड्स में देखते हैं तो आपको बहुत ही महंगे में, यानी कि इसके डबल प्राइस में मिलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को हो सके तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके ज़रिए उनकी भी मदद हो जाए। और हाँ दोस्तों, लिंक को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।